हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। लेके आज तो मैं एक और वीडियो जो आपके एग्जाम से लिए बहुत ज़रा मेन होने वाली है, क्लास टेंथ वाले बच्चों की वीडियो आ चुकी है, जिसमें डेटा एंट्री के मेन मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। जल्दी से देखो क्या है क्या नहीं हमारा, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करके समझते क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन वन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है हमारा, ये व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है हमारा, उसके बारे में बताना है आपको, और इसमें डिफाइन दी हुई नीचे, ये आप ऐसे ही याद कर लेना। और ये क्वेश्चन टू की बात करें, इसमें क्या हमारा डिफरेंस बताना है बिटवीन HTTP और HTML में, डिफरेंस क्या क्या है वो बताना है। डिफरेंस की डिफाइन दी हुई पूरी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हमारा। अब क्वेश्चन थ्री की हम बात करें, इसमें क्या हमारा इंसर्टिंग टेक्स्ट हमारे क्या होते हैं हमारा, और डिलीटिंग टेक्स्ट हमारे क्या होते हैं, इन सब की बात कर रहे हैं। ये भी डिफरेंस है, ये भी टू मार्कर में आ जाता है, उसके हिसाब से पढ़ लेना। इसमें क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, इसे बोला हुआ है व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल इन प्रिंट, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे, 5 से 6 ऑप्शन हैं, इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे क्या है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, दो डिफरेंस है, कॉलम ओपन कर लेना। इसमें क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी, 8 से 9 पॉइंट गिवे हैं, कोई से भी 6 पॉइंट याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा। यानी कल वाले पेपर के लिए बहुत ज़रा मेन क्वेश्चन है डेटा एंट्री क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप हमारा ज्वाइन किया, जाकर आप ज्वाइन कर, लिंक कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक में दे रहा हूँ, जिससे भी आप पर आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो पाए, और कुछ भी डाउट्स हो या कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हो करना क्या आपको, कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें शॉर्ट नोट बताना है आपको, कीबोर्ड के बारे में बताना है। तो ये हमारा दिया हुआ डिफाइन गया, पढ़ लेना। और बच्चे बोलेंगे कि सर इंग्लिश मीडियम बच्चों की तो बात हो रही, अब इसे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी डेटा एंट्री क्लास 10 हिंदी मीडियम बच्चों की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट द स्टेप्स बताने हैं, किस तरह हमारी जो डिलीट फाइल है उसे डिलीट करना है, और या फिर एक फोल्डर है उसे डिलीट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ईजी है, आराम से पढ़ लेना। नॉर्मल कंप्यूटर को कैसे चलाना है ये सब आपको पता ही है पहले से ही, उसको यूज कैसे करना है, और थ्योरी में प्रैक्टिकल आपको पता है, बस थ्योरेटिकल बताना है आपको और कुछ नहीं है। इसे बोला भाई कि स्लाइड लेआउट क्या होता है हमारा, ये सिंपल जो मैं स्लाइड लेआउट कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ कि स्लाइड लेआउट है हमारा, ठीक है। अब इसका कैसे हो रहा क्या नहीं हो रहा सब बताना है आपको। अब इसमें बोला भाई कि डिफरेंस बताना है हमारा, क्रॉपिंग टेस्ट हमारा क्या होता है, मूविंग टेस्ट हमारा क्या होता है, ये सब डिफरेंस आप बता देना, किस तरह टेस्ट कॉपी करते हैं, किस तरह मूव करना होता है, ये सब बता देना आप। नेक्स्ट हमारे क्या है, हाउ डज मर्ज करना है डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे किस तरह उसे मर्ज करना है, कंबाइंड करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ से, आंसर की मैंने प्रोवाइड करे हुए। एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स इफ एन एक्सेल वर्कशीट में, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या वेरियस हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। देख लो 3 पॉइंट्स हैं, याद कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो कल वाले एग्जाम्स में आपके आ भी जाए। अभी से बोला भाई कि राइट करना है हमें इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकिल बिन। अभी रिसाइकिल बिन जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा मेन होती है हमारी, ये हमारा आइकन होता है हमारा विंडो का, और किस तरह डिलीट करना होता है, पूरा प्रोसेस आप पढ़ लोगे ना एक बार, पूरा क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइन प्रिंटर, क्या बताना है। और हमारा क्या है दूसरा हमारा होने वाला है माउस पॉइंटर। तो ये दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों आप पढ़ लेना कि माउस हमारा क्या है, प्रिंटर हमारा क्या है, इसके बारे में शॉर्ट नोट बता देना, 2 से 3 लाइन बता देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बोला हुआ है कि सम ओ फंक्शन हमारा हो गया, सम इफ फंक्शन क्या होता है हमारा, ये हमारा एक्सेल शीट पर यूज होता है, 2 या 3 हमारे जो हमारे सेल्स होते हैं उनको ऐड करने में यूज होता है हमारा, यह पढ़ लेना जिसमें आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, लाइन में किस तरह स्पेसिंग होता है हमारा उसके बारे में बताना है, जो हमारा पैराग्राफ होता है ईच लाइन का, और उसको किस तरह कस्टमाइज करना है वो सब बता रहे हैं इन्होंने। बाय डिफॉल्ट सेटअप होता है हमारा क्या, 1.08 लाइंस, ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, अपने हिसाब से कंबाइंड कर सकते हो या अलग कर सकते हो, जैसा भी आपको स्पेस चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के बारे में क्या जानते हैं, जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं हमारे एबिलिटी टू व्यू
चेंजेस सिस्टम सेटिंग्स होती है हमारी, उनके बता रहे हैं। तो ये हमारा होता है इसमें हमारा ए बा, पढ़ लेना। अब इसमें क्या नेक्स्ट हमारा होने वाला डिफरेंस बता रहा है हमारा क्या, इसमें बोला भाई सोर्स प्रोग्राम क्या होता है हमारा और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, सोर्स प्रोग्राम में और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या होता है, ये पूरा डिफरेंस आप पढ़ लेना। अब इसमें क्या हमारा वर्टिकल जो हमारा बार होता है और हॉरिजॉन्टल बार हमारा, इन दो में डिफरेंस क्या होता है ये आप पढ़ लेना। अब इसमें बोला भाई कि जो हमारे स्टेप्स बताए हुए हैं टू मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स, किस तरह मेल को हमें मर्ज करना है डॉक्यूमेंट्स में, और ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन करना है ईच स्टेप। यहाँ पर सारे स्टेप बताए हुए हैं, 8 स्टेप बताए हुए मैंने, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे स्टेप बता देना आप। और ये वीडियो जो है ना शेयर करें कंजूसी मत करना, क्योंकि जिस तरह आपकी हेल्प हो रही है बहुत सारे बच्चे वहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाते, करना कि आपको ये वीडियो शेयर करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस तरह हमारी वर्कशीट जो होती है उससे किस तरह प्रोटेक्ट करना, वो होता है हमारा पूरे स्टेप बताए हुए हमारा, ये लिख लेना आप एक बार। ये पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, फिर से एक बार चाह रहा हूँ मैं, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़रा मेन है। हो सकता है 20 में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये भी हो सकता है पूरा पेपर 20 क्वेश्चन जो है ना यही उठकर आपके आ जाए, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में से लिए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा मेन होने वाले हैं। अरे वीडियो पसंद है लाइक करो, और कोई सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हैं कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट सजेस्ट कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।